सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स का। ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब इस बार हमारे पास, पहले हमने क्या फाइंड किया, दो पार्टिकल्स हैं, पॉइंट पार्टिकल्स हैं, उन दोनों का जो हमारा कंबाइंड सेंटर ऑफ मास था वो हमने फाइंड किया। इस बार हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमें क्या करना है, ये मान लो एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्वियसली ये मार्कर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, और ये डस्टर भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, तो हमारे पास एक ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है और एक ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, दो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है हमारे पास। तो इस बार हमारा सिस्टम क्या हो गया, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, एक ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल, एक ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल। पहले हमारे सिस्टम में क्या था, एक पॉइंट पार्टिकल इधर, एक पॉइंट पार्टिकल इधर, वो हमारा सिस्टम था। इस बार हमारे सिस्टम में क्या है, एक ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल, एक ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल। तो इन दोनों ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस सिस्टम का जो किसको कंसिस्ट कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, तो इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, बहुत आसान सा है। और इससे जो हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं वो हमारे बहुत काम आने वाला है किसी भी न्यूमेरिकल में, जैसे सेंटर ऑफ मास मैंने तुम्हें फाइंड करके बताया है अभी, आगे भी सेंटर ऑफ मास हमें किसी भी चीज का फाइंड करना हो सकता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, या रिंग का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, या सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो इन सब में सेमी सर्कुलर प्लेट जब हम फाइंड करेंगे सेंटर ऑफ मास, तो उसमें हमारा इसका जो कॉन्सेप्ट हम डेवलप करने वाले हैं बहुत काम आने वाला है। तो समझ लो, बहुत आसान सा है, हमारे पास मान लो ये एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल यहां और एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल यहां, इसको मैंने ऐसे इसलिए बनाया है ताकि हमारे दिमाग में कहीं ये ना आ जाए कि हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप में अगर रहेगा, जैसे स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल ऐसा ही रहेगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं, ना हम कैसा भी शेप में रहे, ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल देखो इरेगुलर शेप में, ये भी इरेगुलर शेप में, तो हम इन दोनों, हमारा सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इस बार हमारे सिस्टम में क्या क्या है, एक ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल, मान लो इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल है और ये सेकेंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है। तो नाउ आवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी सिस्टम का, ये जो हमारा सिस्टम है टू ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का, इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। समझो, मान लो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n1, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, मान लो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n1 और इसमें हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n2। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें दो और इसमें चार, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दो, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चार, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो हमारा सिस्टम है टू ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का, इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना, 2 + 4 = 6, दैट्स इट। चलो तो ये मान लेते हैं हमारा जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी फर्स्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1, सेकेंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अभी आने वाला है आगे का कंक्लूजन जो हम करने वाले हैं, देखते हैं। और ये जो हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, इसका सेंटर ऑफ मास भी हमें पता है, मान लेते हैं ये C2 पे है, ये C1, ये C2 क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास C1, इसका सेंटर ऑफ मास C2। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो हमारा दोनों ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। तुम सोचोगे कि सर इसका सेंटर ऑफ मास पता ही है और इसका भी सेंटर ऑफ मास पता ही है, तो पता क्या करना है भाई, सेंटर ऑफ मास पता करना है सिस्टम का, और सिस्टम में क्या क्या है, ये दोनों ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, तो इन दोनों ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये हमें पता करना है। तो समझते हैं, मान लो इसका मास हमारा है, यहां लिख देता हूं, मास है इसका m1, कैपिटल m1, और इसका मास है कैपिटल m2, दैट्स इट। बस इतना ही हमारे काम आने वाला है, जो जो इंफॉर्मेशन है हमारे काम का हमने लिख लिया। अब कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, चलो मैं लिख देता हूं कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये जो सिस्टम है हमारा, इन दोनों ग्रुप्स को मिला के जो हमारा सिस्टम बना, उस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, और इस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, देखो तो n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें, n2 इसमें, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, n1 प्लस n2, वेरी सिंपल इट इज। मतलब जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि इसमें अगर दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और इसमें चार है, तो हमारे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 2 + 4 = 6, तो ये हमारा
एन वन प्लस एन टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में इतना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबको पता है जो शुरू से हम करते हैं वही करेंगे, चाहे हमारा पॉइंट मास हो या फिर एक्सटेंडेड बॉडीज हो, जैसे ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हम देख रहे हैं, कुछ भी हो हर जगह तरीका हमारा वही रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या करते हैं भाई, टोटल मास लेते हैं सिस्टम का। तो सिस्टम का हमारा टोटल मास कितना है, एम वन प्लस एम टू, तो टोटल मास लिख लिया एम वन प्लस एम टू। इसके बाद का काम सबको पता है क्या करना है, समेशन करना है किसका भाई, एम आई एक्स आई मतलब मास ऑफ आईथ पार्टिकल। तो आईथ का मतलब कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कोई भी पार्टिकल। और एक्स आई क्या बता रहे हैं यहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पार्टिकल, ऐसे करके। तो हम कहां तक जाएंगे, एन वन प्लस एन टू मतलब टोटल नंबर। मैं यहां एग्जाम्पल लिख देता हूं, मान लो एन वन, ये एग्जाम्पल है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया अच्छे से समझना है, और एन टू की जगह मान लो फोर्थ। तो टोटल नंबर, बच्चों को जनरली ये दिक्कत ये आता है कि अगर हम सिर्फ ये वेरिएबल वेरिएबल लेके चलते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ा आता है। तो मैं एग्जांपल भी दे दे रहा हूं तुम्हें, एन वन की जगह टू लिया, एन टू की जगह फोर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, सिक्स। चलो कहां से जाना है, आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली वन से, फर्स्ट पार्टिकल से। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पूरे सिस्टम में कितना है, एन वन प्लस एन टू। जैसे यहां पे टोटल, चलो एन वन प्लस एन टू मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, सिक्स, एग्जांपल ले रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक हम जाएंगे, लास्ट पार्टिकल तक। जैसे यहां तुम शुरू करोगे तो टोटल पार्टिकल्स छह है, तो स्टार्ट कहां से करोगे, आई का वैल्यू वन से, और एंड कहां पे करोगे, सिक्स तक जाएगा। तो यहां ये हमारा वैल्यू क्या है, एन वन प्लस एन टू तक जाएगा। चलो लिख लेते हैं एन वन प्लस एन टू, वेरी सिंपल। अब जरा देखो बच्चों, इसको जरा हम अलग अलग करके लिखना चाहते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं, इसका जवाब तुम्हें एंड में मिल जाएगा कि क्यों सर इसको क्यों अलग कर रहा हूं। देखो समेशन हमने किया एम आई एक्स आई, स्टार्ट करते हैं हम आई इक्वल टू वन से और जाते हैं एन तक, एन वन तक जाते हैं, कहां तक है, एन वन तक, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस, अलग अलग कर रहे हैं, ऑब्वियसली अलग अलग लिख सकते हैं, ये समेशन वाला जो हमारा टर्म है ये न्यूमरेटर में ऑब्वियसली, तो इसको न्यूमरेटर में कहां से कहां तक हमने समेशन किया, वन से लेके एन वन तक। अब नेक्स्ट समेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, एम आई एक्स आई। अब ये आई का वैल्यू कहां से शुरू होगा, जरा ध्यान देना, मैंने अगर तुम्हें बोला कि एन वन तक मतलब इसका समेशन हमने कहां से कहां तक किया, वन से लेके एन वन तक, मतलब वन और टू का समेशन किया। फिर इसके आगे का समेशन हम कहां से करने वाले हैं, ऑब्वियसली हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, छह। तो मान लो इसमें हमने समेशन किया कहां, वन से लेके एन वन तक, मतलब वन और टू का समेशन किया। इसके आगे का समेशन करने के लिए क्या करोगे, किस पार्टिकल से शुरू करोगे, थर्ड पार्टिकल से, क्योंकि वन और टू का तो समेशन तुमने कर लिया, वन से लेके एन वन तक मतलब वन से लेके टू तक, तो वन और टू से फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल का समेशन कर लिया। अब इसके बाद कौन सा पार्टिकल आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ध्यान से समझना, फर्स्ट और सेकेंड का समेशन यहां पे कर लिया, अब बचा कितना, छह पार्टिकल्स हैं, तो अब किस पार्टिकल से हम, कौन सा नंबर ऑफ पार्टिकल से शुरू करेंगे, थर्ड से, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ऐसे चलेंगे, वेरी सिंपल। तो अब हम इसमें समेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, एन वन के आगे से, मतलब एन वन तक कर लिया, तो एन वन के आगे कौन सा टर्म होगा, एन वन प्लस वन, बहुत आसान। तो n1 प्लस, जैसे यहां तुम देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड का समेशन कर लिया, अब आगे का समेशन कहां से करेंगे, 2 प्लस 1 मतलब 3 से, तो यहां पे वही तो किया है, n1 प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे समेशन, और लास्ट कहां तक जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, n1 प्लस n2, तो लास्ट तक यहां तक जाएगा। जैसे यहां तुम देख रहे हो स्टार्ट कहां से किया, n1 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 से, n1 का वैल्यू देखो 2 है, तो 2 प्लस 1 3 से स्टार्ट किया, जा कहां तक है, 4 5 6 लास्ट पार्टिकल, वेरी सिंपल। तो ये लास्ट पार्टिकल तक हम आ गए, दैट्स इट। अब इसका यूज करके हम बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पे करने वाले हैं, देखते हैं क्या होगा। चलो बच्चों इस वाले पार्ट को मैं इधर लिखता हूं, चलो इधर लिखते हैं, जरा ध्यान देना। अब हम जो करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्या करने वाले हैं हम, ये जरा देखो, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमने यहां माना, इसका सेंटर ऑफ मास यहां माना है। अगर हम ये लेट कर लें कि लेट x1 बी द x कोऑर्डिनेट
ऑफ सी वन, सी वन मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का जो हमने सेंटर ऑफ मास सी वन लेट किया है, इस सेंटर ऑफ मास सी वन का एक्स कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास का तीनों कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं कि ये जो C1 है हमारा सेंटर ऑफ मास, ये पहला ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है C1, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हमने मान लिया x1। और सबको पता है कि सर x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ मास का किसका, ये सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, इसका x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, वन बाय टोटल मास। तो इस ग्रुप ऑफ पार्टिकल का टोटल मास कितना है m1। समेशन कहां से कहां तक करेंगे, एम आई एक्स आई का समेशन कहां से कहां तक करेंगे, I इक्वल टू वन से लेके एन वन तक, वेरी सिंपल, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास मतलब सी वन का एक्स कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया एक्स वन। तो एक्स वन किसके इक्वल होगा भाई, जो अभी तक हम करते हैं, वन बाई टोटल मास दैट इज एम वन, और समेशन एम आई एक्स आई कहां से कहां तक, वन फर्स्ट पार्टिकल से स्टार्ट होते हुए कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल इसमें एन वन, तो एम वन तक चलो। अब ये देखो तो इस m1 को अगर हम इधर भेज ले बच्चों, तो m1 और कैपिटल x1 ये किसके इक्वल दिख रहा है तुम्हें, mi xi, i का वैल्यू स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से, और जाएंगे कहां तक, n1 तक, वेरी सिंपल। तो तुम्हें अब आइडिया मिल रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं, ये mi xi का जो हमने समेशन किया है 1 से लेके n1 तक, इसका वैल्यू हमें ये दिख रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो हमारा, चलो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पे, एम आई एक्स आई, इस बार समेशन कहां से कहां तक, i का वैल्यू एन वन प्लस वन से लेके एन वन प्लस एन टू तक, बिल्कुल सिंपल। तो ये वैल्यू यहां से यहां तक जाएगा, इसका वैल्यू जैसे हमने ये फाइंड किया वैसे ही इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एम टू एक्स टू, एम टू एक्स टू, बिल्कुल सिंपल है। जैसे वन से लेके एन वन तक गए तो इसका वैल्यू हमारा ये आया, तो एन वन प्लस वन से लेके एन वन प्लस एन टू तक जाएंगे तो इसका वैल्यू एन टू एक्स टू है। तो अब इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं। चलो आगे का काम करते हैं, मैं ये बाकी का काम इधर कर देता हूं, इसको जिन लोगों को कॉपी करना है वो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, आगे का काम हम कर रहे हैं। इसके आगे का काम जरा देखना, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसका, ये जो हमारा, चलो इसको थोड़ा इधर बना देता, ये तो बच्चे सोचेंगे सर गायब कर दिया, अब तो दिख ही नहीं रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एन टू, और इसका मास क्या है भाई, इसका मास है एम टू, हमें पता है, चलो यहां लिख देता हूं, इसका मास क्या है एम टू, ठीक है, इसका मास है एम टू। अब जरा देखो तो इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं इधर वाले से, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर, कौन सा सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, तो ये हम फाइंड करने वाले थे। इसके जगह देखो तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहां से m1 x1 लिख सकते हैं क्या, चलो लिख लेते हैं, m1 x1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है m2 x2, एक स्टेप में लिख दे रहा हूं, वैसे वैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये LCM लेंगे हम तो डायरेक्टली लिख सकते थे, बट एक लाइन लिख लेते हैं, वैसे ही इस वाले को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं m2 x2 से, ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जैसे ये वाला काम हमने किया, ये तुम कर सकते हो आसानी से, ये क्या हो गया m2 x2 डिवाइडेड बाय m2 m1 प्लस m2, दैट्स इट। अब देखो LCM ले लिया तो ये क्या हो गया m1 प्लस m2 LCM ले लिया, ये m1 x1 प्लस m2 x2, ये किसका सेंटर ऑफ मास आ गया, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ टू ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स था, इन दोनों ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वैसे ही तुम वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हो, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, आगे का काम इधर करते हैं, ये सब हटाता हूं मैं, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ एम वन प्लस एम टू पार्टिकल्स, एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, एम वन y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, बिल्कुल वही तरीका रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस क्या डिफरेंस आ जाएगा, mi xi की जगह mi yi, फिर z कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट ये रहा, z कोऑर्डिनेट ये रहा, x कोऑर्डिनेट ये रहा, z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, m1 z1 प्लस m2 z2 y m1 प्लस m2,
इन दोनों का तरीका बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, एम आई एक्स आई की जगह एम आई वाई आई आ जाएगा या फिर एम आई जेड आई आ जाएगा, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना कुछ जो हमने किया ये कब हमारे काम आएगा। आई टोल्ड यू अर्लियर, हमारे पास कैसा भी बॉडी रहे, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है या प्लेट की जगह हम डिस्क भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी बॉडी हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। जैसे तुम्हें दिख रहा है ये जो हमारा सिस्टम का जो हम फाइंड कर रहे हैं, इस सिस्टम का पार्ट्स कौन कौन है, एक पार्ट ये रहा एक पार्ट ये रहा, ये जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है हमारा ये पार्ट्स है इस सिस्टम का। ये जो हम सिस्टम ऑफ एन वन प्लस एन टू पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करने वाले हैं, इसका पार्ट्स क्या क्या है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो अगर इन दोनों पार्ट्स का ध्यान देना यहां पे वापस आओ, अगर इन दोनों पार्ट्स का, किसका पार्ट्स, सिस्टम का जो ये दोनों पार्ट्स है, इन दोनों पार्ट्स का अगर हमें सेंटर ऑफ मास पता है, ये एक्स वन क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स टू यहां पर क्या है इसके, ये जो पार्ट है सेकेंड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर हमें दोनों पार्ट्स का या तीनों चारों पांचों कितने भी पार्ट्स हो, अगर सिस्टम का जो भी पार्ट्स है उन पार्ट्स का हमें सेंटर ऑफ मास पता है, एक्स वन वाई वन वाई वन एक्स वन एक्स टू सॉरी वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू, ये सब क्या है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स। अगर मास पता है, इसका भी मास पता है, इसका भी मास पता है, तो चलो हम कंक्लूजन लिखते हैं। क्या कंक्लूड किया हमने इन सबसे, हटाते हैं इसको। इफ वी नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कहीं पे बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में लिख लेना क्योंकि ये हर जगह काम आने वाला तुम्हारे। इफ वी नो द मासेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ, किसका सेंटर ऑफ मास और मास पता होना चाहिए, ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। हमने क्या किया, ये हमारा जो सिस्टम है n1 प्लस n2 पार्टिकल्स का, या मान लो इसके जगह हमारे पास सेमी सर्कुलर प्लेट रहता, तो हम क्या करते हैं, वो सेमी सर्कुलर प्लेट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते, छोटे छोटे पार्ट्स में। अभी हिंट दे रहा हूं बस, छोटे छोटे पार्ट्स में मतलब रिंग्स में, बिल्कुल पतले पतले रिंग्स उसमें फॉर्म हो रहे हैं। जैसे अच्छा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो तुम देखना। अलग अलग रिंग्स में उसको बांट दिया, वो सारे रिंग्स क्या हो गए, द रिंग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अगर वो रिंग्स का, सारे रिंग्स का अगर हमें मास पता है और उसका सेंटर ऑफ मास पता है, जैसे चलो मैं एक हिंट अभी दे ही देता हूं, ये है हमारा सेमी सर्कुलर प्लेट, ये हमारा सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको छोटे छोटे रिंग्स में, ध्यान देना, एक ये रिंग मान लो, एक ये रिंग, ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ रिंग्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सेमी सर्कुलर प्लेट को। प्लेट है ना, खाना खाते हैं जिसमें, काट दो उसको बीच में से, सेमी सर्कुलर प्लेट बन गया। अब उस सेमी सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग छोटे छोटे रिंग्स में, एक ये रिंग, रिंग, ऐसे ऐसे रिंग्स में बांट दिया। तो ये रिंग्स सारे क्या है, पार्ट्स हैं, किसके, ये जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम किसको बोल रहे हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट को। तो अगर हर एक रिंग का हमें मास पता है, मतलब हर एक पार्ट का अगर हमें मास पता है और सेंटर ऑफ मास पता है, जैसे हमें यहां दिख रहा है इस, ये एक पार्ट, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास पता है, इस पार्ट का भी सेंटर ऑफ मास पता है, दैट इज एक्स वन एक्स टू इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और मास भी पता है, दैट इज एम वन इसका मास और एम टू इसका मास। तो अगर किसी भी सिस्टम के सेट पार्ट्स का हमें मास और सेंटर ऑफ मास पता है, इफ वी नो द मासेस एंड द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द पार्ट्स, एक ये पार्ट किसका पार्ट, ऑफ द सिस्टम, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यहां एम वन क्या है इसका मास, एम टू क्या है इसका मास, एक्स वन क्या है इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, एक्स टू क्या है इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, बस। तो इससे हम बहुत आसानी से अपना सारा काम कर सकते हैं।
और एक चीज और बच्चों, ये जो हमारा पूरा है ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम क्या मान सकते हैं कि एक पॉइंट मास है, जो कि कहां पे रखा हुआ है, यहां इसके सेंटर ऑफ मास पे। चलो यहां लिख ही देता हूं मैं, कंसिडरिंग द ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स टू बी अ पॉइंट मास, और इसको रखा कहां पे है, प्लेस्ड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स टू बी अ पॉइंट मास ऑफ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मास, प्लेस एट देयर लिख सकते हो, प्लेस्ड एट देयर सेंटर ऑफ मास। जैसे ये पूरा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, इसको हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट पार्टिकल, एक पॉइंट मास, जिसका मास कितना m1, और वो प्लेस हमने कहां पे कर दिया, इसके सेंटर ऑफ मास पे। जैसे और वैसे ये पूरा जो हमारा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, इसका टोटल मास कितना है m2, तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट मास हमने ले लिया जिसका मास कितना है m2, कहां पे रखा है उसको, सेंटर ऑफ मास पे। वैसे ये पूरा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, इसका पूरा मास कितना है m1, तो हमने मान लिया कि ये पूरा क्या है, एक पॉइंट मास है जिसका मास है m1, रखा कहां है भाई, सेंटर ऑफ मास पे। तो बच्चों आई थिंक कि विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, इसका या पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में किया, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा, डेवलप हो गया होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज का हम कैसे फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास, जैसे रॉड का, सेमी सर्कुलर डिस्क का या रिंग का।